तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग संस्कृत व्याकरण सीरीज को पढ़ रहे हैं, तो आज डे 3 में आपका स्वागत है। आज डे 3 में हम लोग मुनि शब्द का शब्द रूप देखेंगे, ठीक है। देखिए, ये विभक्ति यहाँ लिख दी गई है। ये वचन एक वचन, द्वि वचन, बहुवचन। जैसा कि मैंने पहले दिन बताया था कि संस्कृत में 3 वचन चलता है, एक वचन, द्वि वचन और बहुवचन। देखिए, इसको पढ़ेंगे कैसे। मुनि 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 मुनिया, मुनिम मुनि मुनिन, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभिः, मुने मुनिभ्याम मुनिभ्यः, मुन्ने मुनिभ्याम मुनिभ्यः, मुन्ने मुन्यो मुनिनाम, मुन्नो मुन्यो मुनिषु। हे मुन्ने, हे मुनि, हे मुन्या। फिर से एक बार देखिए। मुनि मुनि मुनिय, मुनि मुनि मुनि, मुनिना मुनिभ्या मुनिभिः, मुने मुनिभ्या मुनिभ्यः, मुन्ने मुनिभ्या मुनिभ्यः, मुन्ने मुन्यो मुनिनाम, मुन्नो मुन्यो मुनिषु। हे मुन्ने, हे मुनि, हे मुन्या। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो इकार अंत में करेंगे। जैसे मुनि में आपको ये ई दिख रहा है, तो इस प्रकार के शब्दों में हम क्या करेंगे, मुनि शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे नदी हो गया, उसी प्रकार से इकारण, मति हो गया, मति। इस प्रकार के शब्दों में हम लोग मुनि के जैसा रूप चलाएंगे। जैसे मुनि मुनि मुनिया, उसी बार मति मति मत्या। तो फिर से एक बार देखिए, अगर इस, ये प्रथमा विभक्ति है, इस विभक्ति का चिन्ह होता है ने। इस विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, ने। अगर मुनि लिखा है, इसका अर्थ हुआ मुनि ने। अगर मुनिया लिखा है, इसका मतलब हुआ कि मुनियों ने। बहुवचन करके बोलेंगे। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए तृतीय हो गया, तो मुनीना मुनिभ्या मुनिभिः। मान लीजिए मुनीना लिखा है कहीं सब, तो मुनीना का अर्थ क्या होगा, कैसे पता चलेगा आपको। तो मुनीना, आपको पता है कि तृतीय तीसरे विभक्ति का है, तो इसका अर्थ है इसमें से लगता है चिन्ह या के द्वारा। ये लिखा हुआ नहीं आएगा आपको संस्कृत के बुक में, ऐसा लिखा नहीं आएगा कि मुनि के द्वारा, नहीं। आपको एक ही बार यहां मुनीना शब्द दे देगा, तो आपको समझना है मुनि के द्वारा, ठीक है। अगर मुनि भी लिखा है, तो इसका मतलब है कि मुनियों के द्वारा, बहुत से मुनियों की बात कर रहा है। अगर मुनिभ्याम लिखा है, तो इसका अर्थ हुआ दो मुनि के द्वारा। अब देखिए, आपके एक बार मैं षष्ठी विभक्ति में ले चलता हूं। षष्ठी मान लीजिए मुनि नाम, मुनि नाम का अर्थ क्या होगा, तो यहां लिखा है का के की। शब्दों में हम लोग का के की जोड़ेंगे, और ध्यान रहना चाहिए कि बहुवचन का है। तो अगर कोई कहता है मुनि का, तो ये गलत है, क्योंकि बहुवचन में है मुनियों का, ऐसे बोलेंगे, या मुनियों के या मुनियों की। आपको सेंटेंस के अनुसार वहां प्रयोग करना होता है। उसी प्रकार के मान लीजिए मुनिसु, मुनिसु शब्द ले लेते हैं, तो मुनिसु का अर्थ क्या हुआ, तो आप देख लीजिए, सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में या पर, मुनियों में। जैसे बालकेशु हम लोग पढ़े थे, बालकों में। मुनि अधिकांशतः जहां सु लगता है ना, उस सप्तमी विभक्ति में आता है, यानी कि उसमें में या पर का सेंस जोड़ते हैं। जैसे विद्यालयेषु, मान लीजिए शब्द दे देते हैं विद्यालयेषु, क्या, तो विद्यालयेषु का अर्थ क्या होगा। जब यहाँ मुनिषु का मतलब मुनियों में हो रहा है, तो विद्यालयेषु का मतलब विद्यालयों में होगा, ठीक। उसी प्रकार से अब ये जो है, आप सोच रहे हैं संबोधन का अर्थ क्या होता है। संबोधन का अर्थ होता है किसी को पुकारना, जैसे आप कहते हैं हे राम, उसी प्रकार से हे मुनि, ये किसी को पुकारने के अंदाज है किसी को, तो इसलिए यहाँ संबोधन की बात करता है। फिर से मैं एक बार आप लोगों को रिकॉल करा देता हूँ। मुनि मुनि मुनिय, मुनि मुनि मुनि, मुनिना मुनिभ्या मुनिभिः, मुने मुनिभ्या मुनिभ्यः, मुन्ने मुनिभ्या मुनिभ्यः, मुन्ने मुन्यो मुनिना, मुन्नो मुन्यो मुनिषु। हे मुन्ने, हे मुनि, हे मुन्य। मुनि मुनि मुनिया, मुनि मुनि मुनि, मुनीना मुनिभ्या मुनिभिः, मुने मुनिभ्या मुनिभ्यः, मुन्ने मुनिभ्या मुनिभ्यः, मुन्ने मुन्यो मुनिनाम, मुन्नो मुन्यो मुनिषु। हे मुन्ने, हे मुनि, हे मुन्य। तो इसी प्रकार से आपको बार बार रिपीट करना है और पढ़ना है, याद करना है।